हेलो वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो बेटा LVDT क्या है? एक ट्रांसड्यूसर है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारे पास, इसमें क्या है बेटा, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके दोनों साइड क्या होती है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अभी हम देखेंगे बेटा बाकी की चीज़ें, नीचे चलो आप। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक तो देखो सिंगल तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। देखो यहाँ पे, देखो बेटा आप यहाँ पे क्या है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग है, सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग है, और दो क्या होती है इसमें, S1 S2। ये देखो बेटा S1 S2 क्या है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, P प्राइमरी वाइंडिंग है और S1 S2 क्या है बेटा, दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो कि दो भागों में बांटा गया है। दोनों इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न है, बट ये किस में जुड़ी है बेटा, सीरीज अपोजिशन में। इनमें दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्न है और आइडेंटिकल प्लेस है, केवल सीरीज अपोजिशन में। और यहाँ पे क्या है बेटा, एक यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे एक आयरन सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर बेटा यहाँ पे मूव करेगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, जैसे ये मूव करेगी, सपोज करो इधर की साइड मूव करी, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा S1 S2 के साथ, वो भी वेरी होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सॉफ्ट आयरन प्लेट का रिलक्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, वैसे ही बेटा रिलक्टेंस घटेगा किसी का भी, तो क्या होगा वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा। तो जैसे ये इधर की साइड मूव करेगी, जो भी हमारी सॉफ्ट आयरन की प्लेट है, इसको इधर मूव करेंगे तो S1 के साथ ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, इधर की साइड मूव करेंगे तो S2 के साथ ज़्यादा लिंक करेगा फ्लक्स। तो यहाँ पे जो भी EMF इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा E1 में, और इधर की साइड मूव करेगा तो S2 में ज़्यादा होगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो विच हाँ ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है, जो आयरन कोर के मूव करने से जो भी रिलक्टेंस पाथ है S1 S2 के लिए, इसमें चेंजेस होगा, जो फ्लक्स लिंक करेगा। जैसे ही सॉफ्ट आयरन प्लेट मूव करेगी यहाँ से इधर की साइड मूव करेगी, तो जो भी फ्लक्स लिंक करेगा S1 S2 के साथ, वो भी वेरी करेगा। इसके कारण क्या होगा बेटा, जो भी फ्लक्स लिंक करेगा तो इसके कारण वोल्टेज इंड्यूज होगा। और अगर जब तक बेटा इसको हम मूव नहीं करते E2, तो ES1 - ES2 क्या होगा, दोनों में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगा स्टार्टिंग में, जब हम इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। बट जैसे ही बेटा हमने सॉफ्ट आयरन, जो भी हमारे पास सॉफ्ट आयरन प्लेट है, इसको मूव किया, इस आर्म को मूव किया हमने, तो S1 के साथ ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, इधर की साइड मूव करेगा तो S2 के साथ कम। तो यहाँ पे बेटा कुछ वोल्टेज डिफरेंस ES1 - ES2 अब जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, S1 की तरफ मूव करेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी सॉफ्ट आयरन प्लेट मूव करेगी। इसकी इनिशियल पोजीशन में ES1 - ES2 का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इट इज़ एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज। जिसमें क्या है बेटा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसमें डिफरेंशियल वोल्टेज जनरेट हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, किस कारण वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, कि S1 S2 के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें चेंजेस होने के कारण। कैसे चेंजेस होगा, जो भी रिलक्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, फ्लक्स ही हो गया, वही फ्लक्स, जितना ज़्यादा रिलक्टेंस होगा उतना ही कम फ्लक्स लिंक करेगा, और जितना कम रिलक्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। सॉफ्ट आयरन प्लेट का क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसका नाम है P, और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिनका नाम है S1 एंड S2। यहाँ तक समझ में आया आपको, जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर पर लिपटी हुई होती है, और दोनों में S1 S2 में क्या है बेटा, इक्वल नंबर ऑफ टर्न होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, और आइडेंटिकल प्लेस करते हैं इनको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी वर्किंग की, ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, जो ES1 ES2 है, दोनों क्या है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल देखें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा वोल्टेज में। ES1 ES2 में वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस।
प्लस माइनस कैसे होगा बेटा, प्लस माइनस दोनों अपोजिशन में होगा, मतलब इक्विवेलेंट क्या होगा, ई एस वन माइनस ई एस टू जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो दोनों ही सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है एक दूसरे के, तो बेटा जो भी जब दोनों अपोजिशन में कनेक्ट है, अब हम प्राइमरी वाइंडिंग पे ऐसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ई एस वन ई एस टू इंड्यूस होगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे ऐसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो। बेटा देखो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग पे ऐसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग ई एस वन ई एस टू में वोल्टेज इंड्यूस होगा। यदि कोर, इस कोर को हम इसकी नल पोजीशन पे रखेंगे, इसको कहीं भी मूव नहीं करेंगे, तो बेटा क्या होगा, ई एस वन ई एस टू क्या होगा, इक्वल होगा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा। बट यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों वाइंडिंग सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट हुई है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ई एस वन माइनस ई एस टू। अब बेटा देखो दोनों इक्वल है तो ई एस वन माइनस ई एस टू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यदि कोर इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पर रहेगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो होगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद बेटा हमने क्या किया, इस कोर को मूव किया। अगर इस मूव को कोर को मूव करेंगे हम, जो भी ये कोर है इसको मूव करेंगे, तो बेटा क्या होगा, लो रिलक्टेंस पाथ पाथ उपलब्ध कराएगा। ई एस वन को इधर मूव करेगा तो इधर करेगा तो ये, हाँ। तो बेटा अगर यदि हम कोर को यहाँ से मूव करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर को, तो क्या होगा बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर को मूव करेंगे तो जो भी हमारी कोयल है, जो भी हमारी सेकेंडरी कोयल है S1 और S2, बेटा जैसे ही हम इस आयरन कोर को मूव करेंगे तो जो भी हमारी प्राइमरी कोयल है ES1 ES2, इनके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो भी चेंज होगा। अगर ES1 ES2 के साथ जो फ्लक्स लिंक करता है वो चेंज होता है, तो ES1 ES S1 S2 सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी चेंज होगा, तो बेटा आउटपुट क्या हो जाएगा, ES1 माइनस ES2। अब जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो फ्लक्स लिंक कर रहा है एस वन एस टू के साथ वो चेंज हो गया है और दोनों सीरीज अपोजिशन में, इसलिए नेगेटिव साइन है इसलिए इनके साथ पहले से, तो बेटा यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की। देखो लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं इससे, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ लॉसेज इन द कोर मोमेंट, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता इसमें, और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कम होता है, और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा, बहुत ही हाई सेंसिटिविटी है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, इसकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और दूसरा क्या है, केवल एसी सप्लाई के साथ काम कर सकता है ये, क्योंकि फ्लक्स एसी में होता है। थैंक यू बच्चों।